हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूनिक और स्पेशल होने वाली है। यूजुअली मैं एक गिटार अनबॉक्स और रिव्यू करता हूँ एक वीडियो में, लेकिन आज मैं दो गिटार्स अनबॉक्स करूंगा एक साथ और रिव्यू करूंगा। ये है केपमा का D1CE और केपमा का A1CE। तो चलिए देखते हैं ये गिटार्स कैसे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टाइम पहले मैंने रिव्यू करा था केपमा का F1DE, जो कि बहुत ही प्रीमियम और बेहतरीन अकुस्टिक गिटार है। तो उस पर मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला, थैंक्स टू ऑल योर लव एंड सपोर्ट। लेकिन कुछ लोगों की डिमांड थी कि भाई केपमा का जो इकोनॉमिकल मॉडल है उसका भी रिव्यू करिए। तो यहाँ पे मैं आज मेरे पास है केपमा का D1CE और केपमा A1CE। तो चलिए फटाफट इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं गिटार कैसे है। तो अगर यहाँ पे बॉक्सेस की बात की जाए, जो बॉक्सेस केपमा की तरफ से आते हैं बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही सॉलिड है। तो चलिए फटाफट मैं इसको खोलता और देखता हूँ कि गिटार कैसी कंडीशन में और कैसी क्वालिटी है गिटार्स की। तो जो पैकेजिंग थी दोनों गिटार्स की काफ़ी सॉलिड थी। ऑल दो इसमें कोई आउटर कार्ड बॉक्स नहीं है, लेकिन जो केपमा के अपने बॉक्सेज हैं वो भी बहुत सॉलिड हैं और सेलर ने काफ़ी अच्छे से पैक करके भेजा था। तो चलिए सबसे पहले इस बॉक्स को खोलते और देखते इसमें से कौन सा गिटार निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो गिटार्स हैं बैक के अंदर आते हैं, जो कि बहुत ही सरप्राइजिंग था मेरे लिए। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि ये जो गिटार्स हैं एक पैडेड बैक के अंदर आएंगे। और मैं यहाँ देख सकता हूँ कि कुछ फ्री एक्सेसरीज भी हैं, जैसे कि यहाँ पे केबल मिल रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। यूजुअली क्या होता है, जब भी हम कोई गिटार खरीदते हैं करीब 10 से 15 हज़ार रुपये का भी, उसमें कोई बैग नहीं मिलता। और जो 10 हज़ार से कम की प्राइस रेंज में जो भी अकूस्टिक बंडल देखे हैं, जो कि 5-7 हज़ार रुपये के भी आते हैं, उसमें भी आप जो बैग देखेंगे वो पैडेड नहीं होता। लेकिन ये जो बैग है अच्छा पैडेड है, बहुत हैवी भी नहीं है लेकिन बहुत लाइट भी नहीं है, काफ़ी अच्छा पैडेड है, मेरे को अच्छा लगा ये। तो चलिए फटाफट देखते हैं कौन सा गिटार है। इस बॉक्स में बैटरी है तो मुझे लगता है ये है केपमा का D1CE, जो कि इलेक्ट्रोअकूस्टिक हो गया। तो चलिए फटाफट इसको खोलकर देखते हैं। तो ये देखिए, गिटार देखने में तो बहुत शानदार है, ये सनबर्स्ट कलर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही प्रीमियम लग रहा है मेरे को। इसमें दो फिनिशेज आती हैं, मैट फिनिश और ग्लॉस फिनिश, और तीन कलर्स आपको दोनों मॉडल्स में देखने को मिल जाते हैं, सनबर्स्ट, ब्लैक और नेचुरल। और ये ऑप्शन आपको रहेगा ही उसमें कि आप मैट लेना चाहते हैं या ग्लॉस। चलिए दूसरा गिटार भी अनबॉक्स करते हैं। तो ये मेरे को बहुत ही अच्छी चीज लगी कि जो गिटार्स हैं एक पैडेड कवर के साथ आ रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, इन गिटार्स के साथ आपको कवर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अच्छे पैडेड है, आप आराम से इनको कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जो स्लीव्स है वो भी अच्छी पैडेड है, क्वालिटी जो है बैक की काफ़ी प्रीमियम है। अगर आप सिंपल अकूस्टिक गिटार लेते हैं जैसे कि A1CE हो गया या D1CE हो गया, तो उसमें आपको बैक तो मिलेगा ही लेकिन केबल नहीं मिलेगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोअकूस्टिक गिटार के साथ जो है केबल फ्री मिल रही है। तो ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन फिनिश है, क्वालिटी वाइज तो दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि एक ग्लॉस फिनिश में आया मेरे पास और एक मैट फिनिश में आया। इन दोनों गिटार्स की स्पेसिफिकेशंस काफी सिमिलर हैं। दोनों ही गिटार्स में आपको मिल जाते हैं स्प्रूस टॉप, अगातिस साइड्स, डुअल लेयर्ड बैक। बेसिकली यहाँ पे इन गिटार्स की बैक में दो तरीके की वुड्स यूज हुई है, अंदर की तरफ यूज हुई है सेपेले वुड और बाहर की तरफ यूज हुई है अगातिस। तो अंदर की तरफ जो सेपेले वुड यूज हुई है वो इस गिटार की ओवरऑल जो टोनल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको और इम्प्रूव करती है। और इसके अलावा क्योंकि दो वुड्स यूज़ हुई हैं तो ओवरऑल जो ड्यूरेबिलिटी है गिटार की वो भी इम्प्रूव हो जाती है। इसके अलावा आपको इन दोनों गिटार्स में मिल जाता है रोजवुड फ्रेटबोर्ड, रोजवुड ब्रिज। इन गिटार्स में आपको मिल जाती है एंटी रस्ट कोटेड स्ट्रिंग्स, प्रीमियम डाईकास्ट ट्यूनिंग कीज। तो जो मेन डिफरेंस इन दोनों गिटार्स में आपको देखने को मिल जाता है वो है बॉडी डिज़ाइन। केपमा D1CE में आपको मिल जाती है 41 इंचेस डेड नॉट कटअवे डिजाइन बॉडी और केपमा A1CE में आपको मिल जाती है 40 इंचेस ग्रैंड ऑडिटोरियम कटअवे डिजाइन बॉडी।
अगर इलेक्ट्रोकूस्टिक वर्जन की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है एक 4-बैंड इक्वलाइजर पिकअप विद इनबिल्ट ट्यूनर। जो डिस्प्ले इस पिकअप का वो काफी बड़ा है और काफी क्लियरली आप नोट्स देख सकते हैं ट्यून करते वक्त। इस पिकअप में आपको मिल जाता है एक बेस नॉब, एक मिडल नॉब, एक ट्रेबल नॉब, एक प्रेजेंस नॉब। इसके अलावा आपको एक फेज का ऑप्शन भी मिल जाता है। प्राइस की बात करें तो जो केपमा A1C और केपमा D1C है वो है 9,500 रुपए के, और जो इनके इलेक्ट्रोकूस्टिक वर्जन है केपमा A1CE और केपमा D1CE वो है 12,500 रुपए के। पर आपको इन गिटार्स पर मिल सकता है 10% का डिस्काउंट अगर आप डायरेक्टली खरीदते हैं procraftindia.com से। सिंपली आपको यूज करना है डिस्काउंट कूपन TGC10, जिससे कि आपको केपमा के किसी भी गिटार पे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। केपमा गिटार्स की ऑथेंटिसिटी भी अब आप वेरीफाई कर सकते हैं। हेडस्टॉक के पीछे एक QR कोड का स्टिकर लगा हुआ है, जिसके नीचे अगर आप स्क्रैच करेंगे तो आपको एक 12 डिजिट का सीरियल नंबर मिल जाएगा। आप procraftindia.com पे जाइए और टॉप राइट में देखिए एक आपको लिंक मिलेगा वेरीफाई योर केपमा गिटार। उस लिंक को क्लिक करिए और वो आपको डायरेक्ट कर देगा केपमा गिटार की वेबसाइट पे। वहां पे जाके आप ये 12 डिजिट का सीरियल नंबर डालिए और अपने गिटार की ऑथेंटिसिटी चेक करिए। चलिए अब इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक करते हैं। दोनों गिटार्स मेरे को साउंड वाइज काफ़ी अच्छे लगे। अगर आपको ज़्यादा बेस रिस्पांस चाहिए और आप गिटार को ज़्यादा स्ट्रमिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो केपमा D1C जो है वो काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। अगर आपको एक बैलेंस टोन चाहिए कि आपकी जो बेस और ट्रेबल नोट्स है वो काफ़ी इवनली साउंड करें तो केपमा A1C बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ये फिंगर स्टाइल प्लेइंग के लिए तो काफ़ी आइडियल ऑप्शन हो जाता है। ओवरऑल दोनों गिटार्स काफ़ी ड्यूरेबल भी हैं और साउंड वाइज भी बहुत अच्छे हैं, और 10,000 से कम की प्राइस रेंज में ये काफ़ी वर्थ हो जाते हैं। तो आपको कैसे लगे ये गिटार्स मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो वो भी कमेंट करिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिसके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।